स्वागत है किसान वीरो तुहाडा यूट्यूब चैनल सिद्ध डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरो अज बेहद शौक वाले वीर वास्ते एक शौक दे तौर ते दोस्तों वीडियो कवर कर रहे हैं। पिंड हसनपुर श्री अमृतसर जिले का पिंड है दोस्तों, ते नेड़े दे रैया रह जांदा है। अमृतसर तो जलंधर जिहड़ा रोड है दोस्तों, मेन रोड दे उत्ते इह रैया पिंड आउंदा है ते रैये दे बिल्कुल नाल हसनपुर नां दा पिंड है। तो इत्थे एक डेयरी फार्म कह लो जां इह कह लो भी सारे हरेक तरह की किस्म जिहड़ी पशु पंछियां दे विच उन्हां सारिआं वास्ते एक सोहना फार्म तैयार हो रहा। थोड़ा टाइम पहला शुरुआत हुई सी ते अज दोस्तों बहुत सारे जिहड़े इहदे च पशु पंछी जिहड़े हो आ गए आ, जिन्हां दे विच जिहड़े अज तुहानूं दिखाऊंगा दोस्तों विच इह बकरियां तुसीं स्टार्टिंग देख सकदे हो। सामने जिहड़ा तुहानूं एक सोहना डिजाइन बनाया हुआ सामने जिहड़े तुसीं कमरे देख रहे हो वह घोड़ियां वास्ते है, वह भी तुहानूं दिखा दूंगा कि नसल वाइज होर ने इत्थे सांभी है। इधर कुछ दोस्तों कुक्कड़ कबूतर जिहड़े वह भी इत्थे रखे हुए है, वह भी तुसीं देख सकदे हो। इहदे च भी कड़कनाथ है जां देसी नसलां जिहड़ियां वह भी है। तो जे आपां दोस्तों इधरले पासे दा रुख करिए तो अंदर तुहानूं दो नसलां मेन दिखा दूंगा जिहड़ी च नीली रावी ते मुरा ते एक गावां दे विच दोस्तों साहीवाल। सो ये सारे पशु तुहानूं डिटेल च दिखाऊंगा, वीडियो नूं एंड तक देखते रहो। नवां वीर जे कोई वीडियो देख रहा उहनूं जरूर बेनती करूंगा चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल घंटी दा बटन प्रेस कर दिओ जे तां कि नवीं वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक तुरंत पहुँच सके। सो इन्हां पशुआं बारे कोशिश करांगे आपां दोस्तों गलबात भी करन दी। एक बार तुहानूं नज़र मरा देना इन्हां पशुआं दे उत्ते क्योंकि शौक दे नाल पशु पालन दा काम इत्थे शुरू किया निरा शौक दोस्तों। जिहड़ा इह टोटल पशु आ सिलेक्टड खरीदे हुए है एक फार्म के तौर पर। तो ये तुसीं वीडियो नूं शौक नाल एंड तक जरूर देखो क्योंकि इहदे च तुहानूं लगभग बहुत सारे रंग दोस्तों तुहानूं पशुआं दे विच्चों दिखा देने आ। वीडियो जिहड़ी इह शौक वजों बना रहे हैं। इधर तुसीं कुछ साहीवाल नसल दीआं गावां जिहड़ियां वह भी दोस्तों देख सकते हो क्योंकि यह भी आने वाले टाइम च इस फार्म की छाण बनने हैं। इतने लगभग इन्हों की ब्रीड भी जी है तैयार की जानी है। हाँ जी भाई जी सत श्री अकाल जी, मेरे वालों सारयां नूं पहला तां अच्छा नाम अपने वीर जी एक बार दस दो भाई जी की नाम रवीर सिंह क्या अपना साहब अमर जी ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों थोड़ी जी इनफॉरमेशन दे देना परली साइड ते सुखदीप भाई लंगियाने तो दो मीणियां मझां ते लंडा झोटा इस वीर कोल नाल परविंदर भाई बुइयां वाले तो सारे वीर जानते हैं। तो जग्गे भाई नूं भी दोस्तों फेसबुक ते भी तुसीं देखिया सारे वीर जानते हैं भी ये वातावरण वास्ते भी काम कर रहे हैं बूटे वगैरह लाने नाल AI की प्रैक्टिस टोटल शौक का काम नाल हुण टैंक झोटा भी वीर कोल आ गया नीली रावी का नाल जिहड़े सरदार खड़े आ दोस्तों इन्हां दा ये मेन फार्म है शौक बनिया इन्हां नूं पशु पालन का। तो एक वीर इधर होर नाल ये भी पशु पालन का शौक रखते हैं। सो आप गल्लां बातां बाई जी नाल करते हैं जी। थोड़े तो पुछूंगा जी किहड़े सन दे विच आपां इत्थे फार्म की शुरुआत की है। ये वीर जी आप 2019 शुरू किया 2019 तो ठीक है। अच्छा इधरले पासे शौक किवें बनिया वैसे बिजनेस तो अपना हो रहा है ना बिजनेस तो हो रहा है वैसे ही है ने वेले रही था इधर काफी बचपन तो ही शौक ही के अपन जनवर जुनवर याने रखिए पर रखना केड़ा ही वो डबल माइंड जे अच्छा फिर पाचो ये आया ख्याल के अपन पंजाब की जड़ी ब्रीड है ठीक है सारे चलो मोहरा भी चंगी नसल है ठीक है मान चाहिए कि पंजाब की अपन ब्रीड ठीक रखिए ते फिर अपना भलवान जी होना ना इन्हां नाल मिल के चंगी ब्रीड फिर कोशिश की थी आके अपन इन्हू रखिए फिर जानी नीली रावी वाले पासे नूं फिर तां ध्यान नाल गया। अच्छा होर इस फार्म दे विच आपां जिवें घोड़े भी रखे आ नाल है ना कबूतर भी हो गए फिर सारियां ही नाल नसलां थोड़ियां थोड़ियां रखदे रहांगे बिल्कुल इह हुण पहलों शुरू च ते आपां साहीवाल ते नीली रावी दा बन ही ठीक है ते फिर उस तों बाद अपने को मालवे को सज्जन बने होर अच्छा उन्होंने फिर रुझान कीता कि नहीं आपां घोड़े घोड़ियां भी लैगे अच्छा फिर नाल घोड़ियां दा भी शौक बन गया ठीक है। दोस्तों इन्हां कोल जिहड़े जानवर वह भी आपां दिखा दिंदे आं नाल इनफॉर्मेशन कुछ बाई जग्गा क्योंकि इत्थे देख रेख कर रहा पशुआं दी नाल इस तों लवांगे जानकारी नाल परविंदर भाई हैगा बुइयां वाले तो वह भी आपां नूं इन्हां पशुआं बारे जानकारी जरूर देणगे। जिहड़ी पहले नंबर ते मझ है इहदे बारे थोड़ी इनफॉर्मेशन दिओ जी इह कित्थों खरीदी है ते कि बलड लाइन दे विचों
पाकिस्तान तो इन्होंने मझ दे ढिड च ही जो आई उतो ठीक है इस टाइम मेरे हिसाब न साल उम्र होनी है 20 साल उम्र ठीक है दोस्तों सारे बचे 14 बचे ने दिते बहुते चैंपियन बने जिन्हां चो स्टार झोटा दोस्तों तुसी जानदे होंगे सरदार अमरजीत सिंह जी नथू वाला उन्हां कोल है उन्हों सारे वीर जानदे आ ते उस झोटे दी इह मां 14 सूहे सूफी खासियत इह दोस्तों जदों पाकिस्तान दे विचों कुछ मझां जिहड़ियां भारत वाले पासे आईआं सीगियां उन्हां दे विचों इक मझ उन्हां ने सुन वाली बस्ती दे विच गुरजंट सिंह होरां ने खरीदी सी ते उस मझ दे पेट दे विच इह उस टाइम ते बच्चा सी जिन्हें अगे जाके जन्म लिया तो चंगा दुध दोस्तों इस मझ ने दिता हूँ 14 सूए सूफी है इन्होंने फार्म च आई अगे ये गभन हो गई है बहुत सोहनी मझ है उदू अगे एक होर नीलीरा भी नसल की झोटी एदी भी डिटेल सारी पुछदे आपां बाई जी होरां तों कोहेनूर दी धी चूड़ चक वाले की शायद है ना चूड़ चक वाले ठीक है दूजे सूए च 12 किलो दुध दे फिर गबन माड़ा खोलो बी जी दसो कोहेनूर दी धी चूड़ चक वाला कोहेनूर है जेड़ा पहला सूआ सूई है 12 किलो दुध इन्हें दिता पहले सूए च दूजे सूए लई हुण इह गबन है एक बार थोनों झोटी दिखा दिना दोस्तों प्योर नीलीरा भी नसल है बहुत सोहना सिंग बाहर निकल गई बहुत सोहनी अख है देख सकते हो दोस्तों थन हवाने की बनावट कोई गल नहीं पी लेंगे पानी सो इतने दोस्तों यदा ढांचा तुसी देख सकते हो बहुत सोहनी झोटी थोनों दिखा रहे हैं नीलीरा भी नसल दे विच इस फार्म दे विच दोस्तों टोटल काम जिहड़ा ज़्यादा ध्यान हुण नीलीरा भी नसल ते जाना क्योंकि बहुत चंगे पशु बाई जी होरां ने इत्थे कलैक्ट किए आ खरीदे वे आ बल्ले चल अंदर नूं वीर एक बार तुहानूं इहदी झलक दिखा देना इहदों अगे कुछ पशु होर जिहड़े हैगे आ दोस्तों उह भी रखे वे आ थोड़ी थोड़ी इनफॉर्मेशन उहनां बारे भी लवांगे वीडियो नूं एंड तक देखदे रहो थोड़ी जी लंबी वीडियो इह बणूगी बाद दे विच तुहानूं एक दो पशु जिहड़े नीली रावी दे आ उह अलग तों भी दिखाउण दी कोशिश करांगे नवीं वीडियो दे विच जिहड़ी इह मुरा नसल दी झोटी है जी इहदी की डिटेल है बजरंगी दोस्तों हरियाणे दा सान है ते मेरे ख्याल च श्री बाला जी डेयरी फार्म जिहड़ा उहनां दा ओह झोटा बजरंगी तो उस तो गब्बन है अगे एक होर मुरा नसल दे विच झोटी है मुरा चो इहदी मां ने मुक्तसर रिकॉर्ड कीता है दुध ठीक है चंगा रिकॉर्ड कीता है दुध आई थिंक पहले सूए च करगी पहले सूए च 14.5 किलो दुध करगी अच्छा ठीक है दोस्तों बहुत हाइट लेंथ दी झोटी है फिर दिखावांगे दी वीडियो जदों तैयार होगी एक दोस्तों होर झोटी जिहड़ी नीली रावी नसल दे विच बहुत सोहनी ते इहदी भी खासियत तुहानूं जरूर दिखाउणी है क्योंकि सारे फार्म दी इस टाइम शान है दोस्तों इह नीली रावी च इहदे बारे बाई परविंदर भी जाणदा है तो गहरी वाला झोटा जिहड़ा उह दी ठीक है ठीक है सवा तीन महीने की गबन दोस्तों सिर्फ सवा तीन महीने की गबन है इसलिए कहता जो थोड़ा हवाना दिखाऊंगा उदो थोनू यह लगूगा भी जिवें 6-7 महीनों की गबन होवे सिंग मूह मत्था बहुत सोहना अख देख सकते हो गहरी वाले झोटे की धी है इस टाइम वो जिहड़ा एक्सपायर हो गया दोस्तों इस दुनिया चो झोटा नहीं रहा उहदी धी थल्लों दोस्तों जे तुसीं इहदा हवाना देखो तां थण ते हवाना देख सकते हो ढिल देख लो हुणे
सिर्फ सवा तीन महीने की गबन पहले सूए वास्ते 29 महीने झोटी की उम्र है। ये रिकॉर्ड बनाऊगी दोस्तों, बहुत चंगी झोटी तैयार हो जानी है। इतों फिर थन देख लो, यदि खासियत थोनू एक होर दिखा पेंदे भाई मारी थना हथ दोस्तों, ये देख सकते हैं तुसी, ये खासियत है दोस्तों। ये ना भाई जी सही नीली रावी दी जी आपा पहचान मनिए ना, ये खासियत है नीली रावी दी। ठीक है, इनू नीली रावी नु आपा मानदे हैं। ठीक है, हां जी, पौं पहला सुआ पौं कट्टी या पौं कोई भी दूजी गल है, पौं 50 बंदे खड़े हो पौं जम के बच्चे ही हाथ फेरोगे तो लोई डंडा भन्नूंगी भन्नू। ठीक है, हां जी, खोलो इन माड़ा भाई जी दोस्तों, ये थोड़ा बहर कड़ के भी दिखावे इस जगह तो, क्योंकि थोड़ा जहा चान जरा सामने हवादार बनाने वास्ते जालियां लगियां, उतों की वध रोशनी आती है। बहुत सोहने स्ट्रक्चर की झोटी, तो सिर्फ 3 महीने सवा 3 महीनों की गबण, हवाना देखोगे तो 7 महीनों दोटिया गबण जो होंगे जिन्ना क बना उदू ज्यादा, क्योंकि माँ का दुध दोस्तों 22 किलो का रिकॉर्ड है। अख देख सकते हो सेंग बहुत सोहना, चारे पैर के उत्ते जरा वाइट निशान मेलों के जो कंपीटिशन पशु में पाना तो वो जरूरी है, वह दिखाई है। भारी फुल दोस्तों, ये तो स्ट्रक्चर की पछाण करोगे, जड़ियाँ नीली रावी के मझा होंगे, लत्त हुणे देख लो बहुत छोटी, पेट वड्डा रहिंदा, क्योंकि यह दोस्तों नीली रावी नसल इदां दी है, यदि अपनी खासियत आ वक्री ब्यूटी है यदी। तो यह झोटी तुम देख सकते हो शौक के नाल, जिन्हें भी पशु दोस्तों बई ने इत्थे कलैक्ट किए इकट्ठे किए आ, वह सारे बारे कोई ना कोई वीर जिहड़ा वह चंगी तरह जानता है। तो अगे एक इन्हां कोल दोस्तों झोटा जिहड़ा कट्टा है, वह अगे झोटा तैयार होना ब्रीडर नसल सुधार वास्ते। इहदी खासियत तुहानूं मैं ही दस दिंदा वी, इह गुरजंट तो ही आया दोस्तों, सुन वाली बस्ती दे विच्चों, शायद जिहड़े वीर पुराने चैनल ते जुड़े आ उन्होंने देखा होवे वी इक मैं मझ जिहड़ी सुन वाली बस्ती दे विच्चों अगस्त महीने च शायद लाइव चवाई सी, हालांकि उस टाइम दे विच कोई भी वीर हिम्मत नहीं करता भी मझ नूं लाइव चवाया जाए, क्योंकि मौसम गर्मी का हुंदा, मक्खियां ते मच्छर बहुत परेशान करता पशुआं नूं। पर उदों 21.5 किलो दुद्ध उस मझ ने सिर्फ बाहर दी चरान दे उत्ते घरे आके सिर्फ चोकर पाउंदा सी वीर, ते इन्नी ठंडी सील सी कि बिना बन्ने तों उहदा जिहड़ा दुद्ध चोया जांदा सीगा, उहदियां वीडियो चैनल उत्ते अज वी पईआं। उस मझ दा इह बच्चा 1 साल उम्र होई है, ब्रीडिंग वास्ते दोस्तों लिया है, उदों ही लिया उदो मझ के नाल, उस टाइम है नहीं सी क्योंकि यह जमदा ही बाई जी होर ने उतों लिया, क्योंकि उन्होंने जोड़े बच्चे उन्होंने को जोड़े माली निकले आ सारे चैंपियन रहे, तो बहुत मंग रही है। तो यह तुम देख सकते हो बहुत सोहने करैक्टर का झोटा तैयार हो रहा आने वाले टाइम के दोस्तों, ब्रीडिंग वास्ते यदा सीमन भी तैयार होगा नीली रावी नसल के दुध आए पक्ष तो, प्लस शांत सुभा जोड़ा वो ये दोनों गुण जोड़े वाधा करेगा। यह अगे एक होर झोटी है बाई जी होर को भी डिटेल पुछते हैं एक, हाँ जी अपने ना बर्द सहने अपना बाई दूर होना घूमोगे। ठीक है, सुने होना बुजुर्ग सहने होना बिलकुल, झोटी है। ठीक है, ये पहला ना पहला 15 दिन पहलो कटी दी। ठीक है, इस टाइम 11-12 लीटर दुध चोया, 15 दिन सूई ने 11 किलो तो बार जानी 12 किलो के आस पास इन्हें दिता है, थान हवाना देख लो सोहना कढ़िया झोटी ने। सो यह झोटी भी दोस्तों नीली रावी नसल के झोटे की है, नीली रावी नसल दे विच हौली हौली इंपरूवमेंट जी रंग रूप वालों भी जिहड़ियां निशानियां मंगियां जांदियां उहदे वालों भी हुंदियां जाणगियां। इधर भी दोस्तो यह भी झोटी दोस्तो मर्द साण दी उसे साण दी धी है, भी अजे यह गप्पण नहीं हुई, छोटी उम्र के विच देख सकते हो तुसीं इहनू भी, क्योंकि ज़्यादा जिहड़ा हुण ध्यान इत्थे नीली रावी नसल के उत्ते बाई जी ने किया, आने वाले टाइम च नीली जिहड़ी इत्थे तैयार की जानी है। थणा की बनावट देख लो अजे असर झोटी है, सोहनिया अखा है, कुंडा सेंग है बिल्कुल। सो यह भी तुम देख सकते हो अगे कुछ साहीवाल दे विच जिहड़े पशु रखे है। एक दोस्तों नागसान है जिहड़ा उहदी धी तुहानूं दिखा रहे हैं, सरकारी बुल है, बहुत ऐतकी सीमन उहदा लगा सी, चंगी खिच बनी सी क्योंकि बहुत सोहना झोटा है, बिल्कुल आपदे प्यो वांग दोस्तों टेढ़ा कट इहदे आया, चंगी झोटी चंगी बाडी बनतर दी। इहदी उमर किन्नी होगी जगे भी? 11 महीने 11 महीने
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੱਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹੇਨੂਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਹੇਨੂਰ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਗ ਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ 507 ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਛੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੈੜ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਠੀ ਹੈ ਗਾਈ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਡੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਠੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਰਾਠੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜਸ ਬੁੱਲ ਐਲ ਡੀ ਐਫ ਲਕਸ਼ਮੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਦਲ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਭਣ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਰਾ ਇੱਕ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਦਿਸੂਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਨਸਲ ਦੀ ਵੱਛੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਦੋਵਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਦਿਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਗਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਤੇ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਆ ਕੁਛ ਝੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੱਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਆਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ 7 ਵਜਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਕੜਾ ਇਥੋਂ ਕੌਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਗਾਂਹ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਝੋਟਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦਾ ਚੰਗੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਚੋਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੀਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਸੁਧਰੂਗੀ ਸੀਮਨ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਮਈਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਮਈਆਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੀਰ ਨੂੰ ਝੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਭਣ ਆਈ
ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਵਾਈ ਹੋਈ ਆਈ ਵੀ ਆਮ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਕਰ ਲੰਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਵਾਈ ਕਰਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 25 ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ 2500 ਅੰਗ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 25-26 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਆਮ ਮੈਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਮੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਚਵਾਈ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੱਟੇ ਦਾ ਇਸ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸੀਮਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਨਸਲ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਝੋਟਾ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪੱਧਰ ਟੈਸਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਝੋਟਾ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਝੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।